आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कल नरेंद्र तोमर साहब बोल रहे थे कि सानू दसन जिहड़ी अपोजिशन है जां किसान जथेबंदियां है सानू दसन कि इहदे च काला की है, जबकि शुरू दे विच मीटिंगां दे विच इह मन चुके है कि इहदे च 9 गलतियां है, तां फिर जे 9 गलतियां है तां काला इहनू नहीं दसदा इहनां है। खेती कानून रद्द करवाउण लई लगातार किसानां वल्लों संघर्ष किया जा रहा है। संघर्ष नूं होर तेज करते हुए अज संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे ते पूरे भारत विच चक्का जाम किया गया, जिसके चलदियां जिला फरीदकोट दे विच नैशनल हाईवे ते किसान जथेबंदियां वल्लों 12 बजे तो लैके 3 बजे तक चक्का जाम किया गया। इस मौके वक् वक् किसान जथेबंदियां दे आगुआं वल्लों अपने विचार लोकां नाल सांझे कीते गए ते केंद्र सरकार खिलाफ रज के भड़ास भी कटी गई। इस मौके संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों दिते गए प्रोग्राम तहत 3 बजे 1 मिनट लई गड्डियां ट्रैक्टरां दे हॉर्न वजा के प्रदर्शन भी किया गया ते नारेबाजी भी की गई। मैं चरणजीत सिंह प्रधान ब्लाक फरीदकोट बीके सिद्धूपुर। अज साडा संयुक्त मोर्चे की जो कॉल आई सानू दिल्ली तो कि असी 12 बजे तो लैके 3 बजे तक मुकम्मल जाम रखना है और है सारे पंजाब दे विच है। कारण यही है कि जो तिने खेती काले कानून है उन्होंने सरकार रद्द करे, 2.5 महीने के करीब हो गया किसान जथेबंदियों उत्थे बैठे हैं तो अजे तक इन्हों ये नहीं पता लग्या भी ये काला की है। कल नरेंद्र तोमर साहब बोल रहे थे कि सानू दसन जिहड़ी अपोजिशन है जां किसान जथेबंदियां सानू दसन कि इहदे च काला की है, जबकि शुरू दे विच मीटिंगां दे विच इह मन चुके है इहदे च 9 गलतियां है, तां फिर जे 9 गलतियां है तां काला इहनू नहीं दसदा इहनां है कि बोला है। लगातार जिहड़ा संघर्ष आपां किसानां नाल कर रहे काफ़ी हौसले पाए जा रहे हैं, पर केंद्र सरकार लगातार ही कितें रोड जाम कर रही है, कितें किल्लां ला रही है, तो तुहानूं की लगता कि मन्नण दी राहत हैगी कि अज तक भी देखो इन्हां हरकतां तों ही पता लगता है कि किसान डरी हुई है, बखलाई हुई है। देखो अपना असी तां जाम करिए, ये खुद जाम किल ला के कर रहे हैं, कदें ये नेट बंद कर रहे हैं, इन्हां गल्लां तों लगता कि सरकार डरी हुई है। कोई गल नहीं, होर 1 महीना 2 महीने 3 महीने बैठ के आखिर इहनूं चुकना ही पैणा। असी इस संबंध च कहना जिहड़ा सांझा किसान मोर्चे वल्लों अज दा जिहड़ा धरना दित्ता गया सी उहदे संबंध च असी मोदी साहब नूं वी बेनती करदे हां कि तूं हुण रद्द कर ले। इक चरम सीमा हुंदी आ, हरेक दे साडा हुण पंजाब दा मतलब उह सबर ना परखे, लोक बहुत अक्के फिरते आ, थक्के फिरते आ, ये कुछ ना कुछ मतलब एक चरम सीमा आपदी ते जा चुके आ, हुण समां आ गया जे कोई ना इस गल दा फैसला लिया तो अगे तो संघर्ष वल्लों भी जो भी सानू सांझे संघर्ष वल्लों कॉल आऊगी जां कोई सानू जो भी हुक्म छड़नगे असीं उत्ते फुल चढ़ावांगे, ईवन कि सानूं कोई भी कुरबानी देनी पैंदी असीं उहदे ते उस ते फुल चढ़ावांगे। और मैं इस तुहाडे माध्यम चैनल दे माध्यम राहीं समुच्चे वर्गां नूं भी अपील करदा, जिन्ने साडे NRI वीर आ जां जिन्ने बुद्धिजीवी अर्थ शास्त्री आ जां जिन्ने मतलब उत्थे जा के समर्थन इस समझ अपने दा
मोर्चे का कर रहे हैं भी तुम पेल जो बहुत समर्थन साढ़ा किया सू सपोर्ट किया अज भी थोड़ी लौड़ है तो इस मोर्चे के आके सा बह फड़ो तो सरकार को बेनती करते हैं भी तू आख मतलब मोदी जी बेनती करते हैं भी आखे लग जाओ अजे टाइम बहुत पिया जे हिल गया सारा समान तो देश का बहुत व्डा नुकसान हो जाएगा। हाँ आम किसान देखेगा कि जो 26 जनवरी जो कुछ होया उ जिन्होंने की लगता क्योंकि जथेबंदियों का अपना विचार होंगे एक आम किसान हो तो की चीज़ लैके आना मतलब वो संबंध से असं कहने भी मतलब मीडिया ने जो गल की आ मीडिया का बहुत व्डा रोल है उस किसान का कोई रोल मतलब सगा कोई हथ नहीं गा ये सरकार पॉलिसिया होंगे वो मतलब गुम ज अपने नौजवानों को गुमराह करके पिछले ला के उन्होंने उत्थे लै गए ये सरकार की एक पॉलिसी से भी इनू एक पहले तो उन्होंने कोशिश की भी इनू अत्तवाद का नाँ दे दौ मिलीटेंटा का नाँ दे दौ उन्होंने वक्वादियों का नाँ नक्सलवाद जो ये सारिया कोशिशें उन्होंने खत्म हो गई उन्होंने कुछ आपके बंदे कुछ पार्टी में शामिल कर के उन्होंने कुछ नौ नौजवानों ने भी गुमराह करके उत्थे लाल किले ते जिहड़ी हरकत की है वो बड़ी मतलब माड़ी की सरकार की पैदाइश सरकार ने यह सारा कुछ जिम्मेवार आ। ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਿੱਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖਿਆ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਾਬਤਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਘਟੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਕੈਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।